दोस्तों, वेलकम टू योर न्यू चैनल वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग एकदम मस्त और बढ़िया होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं अपने नए यूट्यूब चैनल पंकज वर्षा ब्लॉग में। तो आज है करवा चौथ, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। तो अभी हो रहा है मेरा थोड़ा मेकअप, नॉर्मली जो मेकअप है वो मैं करने जा रही हूँ। और ये दिव्यांशी मैडम है जो मेरा हमेशा मेकअप करती है। तो आइए, अभी मैंने थोड़ा कर लिया है मेकअप और ये मैंने शरारा पहना है, मतलब नॉर्मल हल्का है, मैंने कहा पहन लेती हूँ। तो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं आपको मेहंदी दिखाती हूँ मेरी कैसी, मतलब रची है रात में। ये है मेरी मेहंदी, देख सकते हैं आप, और ये इस हाथ की है। कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। और ये मेरी पैरों की मेहंदी, ये मैंने पायल भी अपनी पहन ली है। तो गाइस आज ऐसे 13 तारीख है, हस्बैंड आने वाले थे पहले बट फिर अचानक से उनकी छुट्टी कैंसिल हो गई, वो अभी नहीं आ रहे हैं, थोड़ा लेट आएंगे। तो आज सच्चे मेरे मतलब बहुत सपने थे कि वो साथ में होंगे, हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे, मैं ये सब चीज़ें लूँगी। बट सच में आर्मी लाइफ ना ऐसी होती है कि बिना हस्बैंड के सारे त्यौहार मनाने पड़ते हैं। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अजीब लग रहा है कि उनके बिना करवा चौथ हमें मनाना पड़ेगा, मेरे को मनाना पड़ेगा। तो मैंने बहुत मिस कर दिया, बट कर भी क्या सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। कल जो मैं काशीपुर गई थी, मैं थोड़ा शॉपिंग करके लाई हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ मैं कल क्या क्या लेकर आई हूँ सामान। सबसे पहले मैं ये पूजा की थाली दिखाऊंगी जो कि इतनी प्यारी सी है, ब्यूटीफुल, देखो कितनी अच्छी लग रही है। और इसमें ये पानी का है और ये छन्नी ऐसे चांद देखने के लिए, और ये है प्लेट। कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मैं लिपस्टिक, नॉर्मल एक लिपस्टिक सिंदूर, और ये मैं बिंदी वगैरह, बस यही मैं थोड़ा बहुत सामान लेके आई थी। तो आई मैंने मेकअप वगैरह तो कर लिया है, अभी हम पूजा करेंगे, मम्मी नहाने गई है। तो जैसे मम्मी नहा धो के आ जाती है उसके बाद हम पूजा करेंगे, उसका भी हम आपको दिखाएंगे कि हम मतलब आज की जो करवा चौथ की पूजा है हम कैसे करेंगे। तो और मेहंदी तो आपको पता ही चल गया होगा कैसी लग रही है। अभी मम्मी लगा रही है मेरे महावर, देख सकते हैं। ये मेरी माताश्री त्रेया तैयार हो चुके हैं, नया नया सूट पहना है मम्मी ने। अभी मैंने लगा लिए महावर और साथ में नेल पेंट भी मैंने लगा लिया, देखिए। और हाथ में भी मैंने नेल पेंट लगाई है रेड कलर की। इसमें तो मेरे बहुत छोटे नाखून हैं और इसमें मैंने थोड़ा बढ़ा लिए हैं। तो इसके बाद हम करेंगे पूजा, तो आगे आपको दिखाते हैं। तो ये हो चुका है हम तीनों का तैयार, ये मम्मी का है, ये मेरा है, ये देखिए। कितनी बड़ी हूँ, मुझसे ही बड़ी हो गई आप, है ना जिया? कितनी बड़ी हूँ ये देखिए गाइस। हमारी मेकअप आर्टिस्ट दिव्यांशी मैडम जो मेरा मेकअप करती हैं, आ रही है हमारी छोटी सी असिस्टेंट। तो अभी हम लोग तैयार होते हैं, उसके बाद आगे दिखाते हैं आपको। अभी हो रही हूँ मैं तैयार, जो कि मैंने अभी थोड़ा सा लहंगा पहन लिया, अभी मेकअप नहीं किया है, तो ये मेकअप कर लेती हूँ उसके बाद। तो अभी हो चुका है मेरा मेकअप और यहाँ लेके प्रिंस पता नहीं कौन सा पहन के पढ़ाई कर रहा है, करवा चौथ पे। तो अभी मैं चुन्नी भी पहन लेती हूँ। अभी हम हो चुके हैं तैयार, वो सब देखिए। और ये मेरे पापा हैं ड्यूटी से, अब आए हैं। और ये मम्मी देखो, इतनी साड़ी मम्मी ने चेंज कर लिया, मम्मी को साड़ी पसंद नहीं आ रही थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। पल्ला कैसा लग रहा है? अभी तो ब्लाउज ही यही है ना, चलो ठीक करें पूजा। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागनी स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। करते हुए बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुम करवा चौथ का व्रत, तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ दे दिया था। हे करवा माता, जैसे आपने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे मेरी पति की भी रक्षा करना।
बट तुम्हारा भोग में अभी हम लोग जा रहे हैं, चांद निकल चुका है। तो अभी हम चल रहे हैं छत पे। चलो आप चलो। बैक कैमरे पे सही आ रही है। चांद को चांद को करो ना। जल नहीं चढ़वाया था अब इधर देखो, इधर देखो, इधर हम अभी हमको देखो। पापा की पैर छू रही मैं आपके। बस आरती उतारो बाबू, आरती उतार रहे। प्रिंस जूम करना इधर आप। जूम ऐसे है, दिख रहे हैं? हो गया। गाइस ये मेरे खड़ूस पापा जी हैं, पर बहुत अच्छे हैं। गलती बस ठीक है ना, तुम मुझे पता ही है। ठीक है मम्मी, देखो हमें भी यही सिखा रही दीवार रखने लिए पहले। अरे भाई तो गाइस देख सकते हैं ये करवा चौथ है महाराज जो कि आए नहीं है छुट्टी, इतने बदतमीज इंसान है। चलो पापा चलो, मैंने अभी कर लिया पूजा, अब कुछ खा लेते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। गाइस पूजा करने के बाद जैसे मैं नीचे आई, उसके बाद जैसे मैं कपड़े चेंज करने गई, उस टाइम मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मैं बहुत रोई, पेट दर्द होने लगा, हिम्मत ही नहीं हुई खाना खाने की, तो इसलिए मैं और व्लॉगिंग नहीं कर पाई, वरना मैं खाना भी खाती उस टाइम भी आपको मतलब व्लॉग बनाती, बट नहीं कर पाई, हिम्मत नहीं हुई और बहुत रोई मैं रात, मतलब रोते रोते मैं सो गई। उसके बाद मैं सुबह उठी, फिर मैंने खाना वगैरह खाया, तो अब तबीयत है वो अभी थोड़ी ठीक है, तो इसलिए मैंने अभी थोड़ा मैंने कहा बता देती हूँ मैं। तो अभी मैं वैसे इस ब्लॉग को ये हैंड करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कि करवा चौथ ब्लॉग आपको कैसा लगा,
और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो और मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी का मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिले। तो प्लीज़ ब्लॉग को शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।